नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A13 4G versus EQZ 6 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A13 4G में 6.5 इंच जबकि Z6 Pro 5G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy A13 4G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A13 4G में 3.01 इंच जबकि Z6 Pro 5G में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy A13 4G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A13 4G में 0.35 इंच जबकि Z6 Pro 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A13 4G में 195 ग्राम्स जबकि Z6 Pro 5G में 180 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A13 4G में TFT LCD जबकि Z6 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A13 4G में 6.6 इंचेस जबकि Z6 Pro 5G में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy A13 4G में 1080x2408 और Z6 Pro 5G में 1080x2404 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A13 4G में 83.38% जबकि Z6 Pro 5G में 85.19% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A13 4G में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Z6 Pro 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A13 4G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Z6 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy A13 4G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Z6 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy A13 4G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Z6 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A13 4G में Mali G52MP1 जबकि Z6 Pro 5G में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A13 4G में Samsung Exynos 8 Octa 850 और Z6 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Z6 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy A13 4G में अप टू 1TB जबकि Z6 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy A13 4G में 5000 mAh जबकि Z6 Pro 5G में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी A13 4G में 4 कलर्स जबकि Z6 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z6 Pro 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी A13 4G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इकू Z6 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Z6 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Z6 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z6 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A32 4G है, दूसरा Samsung Galaxy M42 5G है, तीसरा Realme 8 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y75 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।